करने वाले थे आरसीएल 200 में फेयरिंग के अंदर लाइट कैसे फिट करें, ठीक है वो देख लेते हैं हम इसकी लाइट कैसे फिट करनी है और क्या क्या ओपन करना है क्या क्या नहीं ओपन करना। चलो वो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं कैसे फिटिंग होगी। ठीक है सबसे पहले इसकी कर लेनी है फेयरिंग ओपन। ठीक है ये 5 नंबर के हल्के का ये बोल्ट होता है, दूसरा ये होता है, ठीक है दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है तीसरा ये ओपन कर लेना और चौथा ये 4 नंबर के हल्के के बोल्ट होते हैं। ठीक है एक ही ओपन हो गया, एक होता है यहाँ पर, ठीक है एक आपने ये ओपन कर लेना। ये फर्स्ट ये ओपन करना है, सेकंड यहाँ पे होता है, थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ ओपन होएगा, इसकी साइड फेयरिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है ये सिर्फ एक एलके वाला बोल्ट खोलना है, मैं इसको खोल लेता हूँ। एलके वाला बोल्ट ओपन कर लिया है, अब इसकी साइड फेयरिंग बाहर आ जाती है ऐसे सिंपल। ठीक है इसकी साइड फेयरिंग, जब आपने इसकी फेयरिंग में लाइट फिट करनी है, ठीक है ये इसकी फेयरिंग है और अंदर पहले निशान मार लेने आपने किस जगह फिट करनी है, यहाँ पे जब फिट करेंगे इसकी पूरी रोशनी बाहर आएगी। ठीक है एक हमने ये इंजन के लिए, ठीक है एक यहाँ फिट कर लेते हैं एक यहाँ फिट कर लेते हैं। ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे फिट होगी। ये लाइट है, ठीक है थोड़ी इसमें तार प्लस की है मैंने क्योंकि राउंड में मैंने घुमा नहीं आया। ठीक है निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है ये आगे निकल गई इस साइड से, ये इस साइड की, ठीक है ये हमारी दोनों ऐसे आ जाएंगे। ठीक है पूरी लेवल लेवल में बराबर ही है, ठीक है ऐसे हमने दोनों लगा लेनी है। डबल टेप इसमें होती है, फेविक लगा के लगा लेनी है आपने ना पहले। ठीक है ये इसका लेवल है ये इसका है, थोड़ी थोड़ी लगा लेते हैं कि एकदम पक्का काम हो जाए। ठीक है ये हमने लगा लेनी है थोड़ी सी, उसके बाद इसकी फेयरिंग में उल्टा करके, ठीक है ये हमने एक जगह ही जहाँ पे ये रख देंगे वहीं पे फिक्स हो जाएगी। ठीक है ये लग गई, ठीक है एक ये लग गई हमारी और दूसरी हमने यहाँ पे लगा लेनी है। ठीक है दूसरी की डबल टेप, ठीक है इसमें भी लगा लेते हैं, ये लग गई हमारी दोनों लग गई। ठीक है एक ऊपर लग गई एक नीचे लग गई, ऐसे आपने लगा के अच्छे से। और तो हमने इसमें तार प्लस कर लेनी है, कनेक्शन में आपको इसका समझा दूंगा। ठीक है ये हमारी फेयरिंग है, ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऐसे रखी हुई है, मैंने इसके अंदर लाइट फिट कर ली है। ठीक है लाइट आपको दिख रही होगी, लाइट की वायर है ये ग्रीन वाली प्लस है हमारी, यहाँ पर तार मैंने गलत प्लस कर दी। ठीक है ये ग्रीन वाली प्लस है, रेड वाली माइनस है हमारी। ठीक है ये हमारी फेयरिंग है, ये स्विच की तार हो गई हमारी टाइट दोनों। ठीक है उसके बाद आपने इस पर टेप लगा लेनी, पर मैं आपको सिर्फ चला के दिखाता हूँ अभी कैसे कनेक्शन करना है इसका। ये 10 नंबर की गोटी लेके इसको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद ये बच्चे के साथ इसको यहीं लगा लेना। ठीक है ये ऐसे ये हमारा स्विच फिक्स हो जाएगा या यहाँ से अपना ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है ये हमारी दोनों तार हमने यहाँ लगा लिया। ठीक है ये हमारी प्लस की तार है, ये हमारी प्लस की तार है, ये भी हमारी डायरेक्ट आ रही है सीधा। ठीक है हमने यहाँ से थोड़ा घुमा के ऐसे लगा के, ठीक है ये अब हमने प्लग में ये वाली तार देनी है हमने। ठीक है तो खोल लेते हैं, ये ऐसे आपने ओपन कर लेनी है। ठीक है उसके बाद आपको जितनी तार की नीड है, हमारी डब्बी है, ठीक है जितनी तार की आपको नीड है सिर्फ आपने उतनी ही रखनी है। थोड़ी सी काट देता हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है ये इतनी तार हमारी एक्स्ट्रा है,
ये हमने यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक है, ये हमारी हो गई, ठीक है। ये अब तार हमने दे दिया है तो स्विच में, ठीक है, ठीक है, ये हमारा स्विच लग गया, ठीक है। ये हमारा स्विच लगने के बाद सीधा ही लाइट हमारी ऑन हो गई, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी ये हमारी लाइट है, ठीक है, ये हमारा स्विच है, देख सकते हैं ये शाइनिंग कितनी अच्छी आ रही थी, ये इसकी शाइनिंग है, ठीक है। ऐसे ये हमारी लाइट इंस्टॉल हो गई है, ठीक है, ये इसका स्विच कंप्लीट लग गया। बाकी इसका कैप लगा देता हूँ मैं और इसमें टेपिंग कर देता हूँ, ठीक है। बाकी इसके नट बोल्ट टाइट कर देता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ कैसे टाइट करना, ठीक है। फेयरिंग फिट करने के बारे में मैंने आपको बताया था, एक दो ये तीन और ये चौथा, ये दोनों चार नंबर एलकी के बोल्ट होते हैं, ये पाँच नंबर के होते हैं, ये भी पाँच नंबर का होता है, ठीक है। ये